गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? ठीक है। आप जा सकते हैं अंदर? हाँ जा सकते हैं। संडे राखी जी, संडे राखी जी, आपका फोटो उनके साथ है, फलपुरी के साथ। उनको कस्टडी में लिया गया बोलते 14 दिन। वेरी सैड, पर्ल यू आर नॉट अ पर्ल, तुम एक पर्ल नहीं, तुम एक हीरा हो। और तुम हमारे सबके दोस्त हो। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचाया है, ऊपर वाला ही जानते हैं क्या सच है क्या झूठ है, पर मैं विश्वास करती हूँ कि जल्दी से जल्द आपको बेल मिल जाए, जल्द से जल्द बेल मिल जाए। दुआ करते हैं, बिकॉज जिन्होंने सचमुच गुनाह किए हैं वो तो खुलेआम सांडों की तरह हर जगह घूम रहे हैं, आप समझ रहे हैं। आई फील, देखो मैं इतनी शोर शोर क्यों कहती हूँ, लोग सब कहते हैं कि इतनी शोर शोर क्यों कहती हूँ, इंसान के साथ रहते हैं ना। मैंने BCL किया था उनके साथ, सो आई नो। पूरे BCL में हार्डली उसकी आवाज़ सुनने मिली। दूसरे तो सब खुलेआम घूम रहे हैं, दरिंदे, वो तो पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। और एक बेचारा लड़का, यू नो, इतनी मेहनत करके, स्ट्रगल करके, ये बॉलीवुड स्टारों के साथ या किसी भी स्टार के साथ यही होता है जिसका नाम होता है। हाँ, लोगों को लगता है कि हम इनको आसानी से टारगेट कर लें। मेरे को कोई टारगेट नहीं कर पाता, मैं उधर ही बैंड बजा देती हूँ। आ जाओ, मैं तो बोलते आ जाओ सामने, चल मैदान में आ जाओ, क्योंकि मैंने झेला है ज़िंदगी में कि जितना खामोश रहते हैं ना लोग, उतना ही फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लोग सब एक तरीके के नहीं होते, बहुत लोग अच्छे भी होते। सब लोग हाई सोसाइटी करके ना सब स्टार्स चुप बैठते हैं, हाई सोसाइटी, तो हाई सोसाइटी में सब हाई निकल जाते हैं, समझ रहे हो। अपने लिए लड़ो, आवाज़ उठाओ, अपने खुद के लिए लड़ो, पड़ोसी तुम्हारे लिए लड़ने नहीं आएगा। मुझे आपको कहीं से भी यकीन हो रहा है वो 5 ईयर्स की लड़की के साथ पल ऐसा कर सकता है? नहीं, ये षड्यंत्र रचाया गया है। उनके पिताजी ने जा कंप्लेंट किया बोलते, लड़की के पिताजी फादर ने, ये षड्यंत्र रचाया गया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब ये पुलिस का काम है सच निकालना, यू नो। मैं तो इतना चाहती हूँ कि जो बेकसूर है, जिस लड़के ने बाहर से आके बॉलीवुड में इतनी मेहनत करी है, पल का नाम ख़राब ना हो। पल तुम में हमारे लिए कोहिनूर हो। ऐसा समय आता है पल, गुजर लो, हम सब तुम्हारे साथ। अरे बॉलीवुड की क्वीन तुम्हारे साथ है, राखी सावंत और एकता कपूर और जितने भी स्टार्स हैं सब तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो, हम सबको पता है तुम इनोसेंट हो, लेकिन वक्त कभी कभी बुरा होता है, इसको सह लो, सब अच्छा होगा। थैंक यू, हैप्पी संडे। निशा जी से बात हुई क्या? निशा से नहीं बात, मैं खुद बहुत बिजी हूँ ना, मेरे पास अभी उनके नंबर नहीं है एक्चुअली। कोई मैसेज है आपकी? मैं जब फ्री हो जाऊँगी तो मैं जाके खुद मिलूँगी। कल मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन, 2-4 पुलिस स्टेशन, एक मिनट मेरा ये पकड़ना, पुलिस वालों से कल बात करी है केस के बारे में, कि भाई क्या केस है। क्या वाली पुलिस स्टेशन, तो राहुल कुमार पाटिल ऑफिसर का नाम है, उनके हाथ में ये केस है। अभी देखते हैं क्या होता है।
मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं शूटिंग हूँ, आउटडोर जा रही हूँ आज ही, आई बी बैक टुमारो नाइट या परसों सुबह। मैं भी पुलिस में मिलूंगी क्योंकि मैं खुद एक पुलिस की बेटी हूँ। पुलिस के पैंतरे मैं सब जानती हूँ, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। केस में मैं डेफिनेटली देखूंगी क्या हो रहा है। और हमारी मुंबई पुलिस बहुत अच्छी है, हमारी मुंबई पुलिस बहुत अच्छी, कोई मिलावट नहीं होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे विश्वास है मुंबई पुलिस पर कि जो बल के खिलाफ षड्यंत्र रचा रहे उनको वो पकड़ लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। कुछ करा है।